हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दीक्षिता सेठिया और आज हम शुरू करें 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस एंड द न्यू सब्जेक्ट दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। यस, आपने सही सुना, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक नया सब्जेक्ट दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी और उसका आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर। Yes, आज हम आपके लिए नया चैप्टर कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स में शुरू करने वाली हूँ। और पहले अगर हम देखेंगे तो हमने 12th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट ओसी एंड इवन एसपी वो हमने शुरू किया है हमारे ही चैनल पे, सो आप वो भी कवर अप कर ही सकते हो। एंड साथ ही साथ आज के वीडियो में हम बीके दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वो आज हम स्टडी करेंगे। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? सो आइए स्टार्ट करते विद द चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट्स दैट इज इश्यू ऑफ शेयर। एंड यस वेट स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और जितना हो सके आप मैक्सिमम आपके क्लासमेट्स फ्रेंड्स को शेयर कीजिए सो दैट वो भी आपके साथ पढ़ाई कर सके। एंड यस इवन ऑन योर नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। So let's start with our chapter number 8 of subject bookkeeping and accountancy and the chapter name is company accounts issue of shares. So first of all company accounts जानने से पहले हम थोड़ा पीछे जाते, we need to understand कि आपने 11th standard में क्या learn किया। So in 11th standard आपने accounts subject एक नया subject learn किया था जो आपके लिए थोड़ा difficult हुआ होगा, बट जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस किया उस तरह से आपको समझ में आया कि अकाउंट्स होता क्या है। तो अभी तक आपने जो 11th में पढ़ा था वो कौन सा टाइप का अकाउंट्स था, दैट इज प्रोप्राइटरी कंसर्न, जहां पे आपने एक सिंगल पर्सन के बिजनेस के बारे में समझा था, आपने जो भी एंट्रीज किए थे ट्रांजेक्शन किए थे वो आपने एक अकेला पर्सन जो बिजनेस चलाता है जिसको हम नाम देते हैं प्रोप्राइटरी कंसर्न, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, उस तरह के आपने अकाउंट्स को समझा था। उसी के साथ आपने 11th स्टैंडर्ड में या लर्न विद जर्नल, आप जर्नल कैसे करते हो, नेक्स्ट थिंग आप लेजर को कैसे करते हो, पेटी कैश बुक, सब्सिडरी बुक, ये सब आपने लर्न किया था। उसी के साथ आपने फाइनल अकाउंट्स जो बहुत अच्छा एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है उसी को भी आपने समझा था। बट जो 11th स्टैंडर्ड में हमने लर्न किया जो आपके लिए बेस था वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट थिंग इन 12th स्टैंडर्ड आपने शुरू किया होगा दैट इज पार्टनरशिप फर्म, आपने जो अकाउंटिंग शुरू किया रहेगा वो पार्टनरशिप फर्म होगा, यस और नो? सो आज हम लर्न करेंगे पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, टू और मोर पर्सन साथ में आते कैपिटल डालते हैं और उसका आपने अकाउंटिंग देखा होगा। बट जो आज का चैप्टर है हमारा दैट इज इश्यू ऑफ शेयर कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम कंपनी जो बड़े बड़े कंपनीज होते वो कैसे अकाउंटिंग करते, वो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते उसको हम समझने वाले। सो बेटर हम शुरू करते कि हमारा कंपनी जो बड़ा बड़ा दिखता है बट उनके पास पैसा कहाँ से आता है वो हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक दैट इज कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर ऑफ बीके, ठीक है? सो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है। तो अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल लेंगे तो हमें ये समझना होगा कि कंपनी अलग होता है एंड ओनर अलग होता है। क्या बोला मैंने, कंपनी अलग होता है एंड ओनर अलग होता है। अभी ऐसा क्यों? फॉर एग्जांपल देयर इज वन कंसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एक कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से समझना होगा स्टूडेंट्स, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी इसका मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल सेपरेट लीगल का मतलब होता है सेपरेट, मतलब ओनर्स आर सेपरेट एंड मैनेजर आर सेपरेट, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर टू डिफरेंट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर कंपनी का लॉस होता है, अगर कंपनी का लॉस होता है इट डजंट मीन कि ओनर का भी लॉस होगा, क्योंकि कंपनी एक अलग एंटिटी है और ओनर से एक अलग पर्सन है। सो ड्यू टू दिस कंसेप्ट कंपनी इज डिफरेंट एंड ओनर्स आर डिफरेंट, बट हमें ये जानना होगा कि ओनर्स कौन होंगे और मैनेजर्स कौन होंगे।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपने एसपी सब्जेक्ट को लिया होगा, जो यहाँ पे एसपी स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि चैप्टर नंबर 2 जहाँ पे आपने लर्न किया है शेयर्स के बारे में, जहाँ पे आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में लर्न किया है, तो अगर आपको वो डिटेल में चाहिए तो वो आप चैप्टर नंबर 2 ऑफ सब्जेक्ट एसपी वो आप समझ सकते हो, उसके वीडियोस को आप देख सकते हो। हमारे ही चैनल पे सब्जेक्ट एसपी का भी वीडियोस अपलोड हुआ है, तो इफ यू वांट आई कैन पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप उस तरह से अकाउंट्स में शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप वहां से समझ सकते हो। ओके, सो अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे कि कंपनी इज डिफरेंट एंड ओनर्स इज डिफरेंट ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ व्हाट सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, अभी आइए देखते हैं एक्चुअल अकाउंटिंग होता क्या है। उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जो मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज वन पर्सन व्हिच इज मिस्टर अमित। ठीक है, मिस्टर अमित एक पर्सन है जिसने कंपनी शुरू कर है। कोई भी कंपनी शुरू करना होता है तो कोई भी बिजनेस शुरू करना होता है तो एट स्टार्ट हमें क्या लगता है, कैपिटल लगता है। वेरी ट्रू, विदाउट कैपिटल हम बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते, कंपनी को शुरू नहीं कर सकते। सो मिस्टर अमित ने एक कंपनी शुरू किया, बट कंपनी शुरू करने के साथ ही उसको कैपिटल लगा। सो उसके पास थोड़ा बहुत कैपिटल था, ही हैज अ 4,06,10,00 कैपिटल। तो उसके पास जो भी कैपिटल था, जहां से भी उसको कैपिटल मिला, वो सब उसने कहां पे डाल दिया, उसकी कंपनी में डाल। बट अगर हम टोटल करेंगे तो मिस्टर अमित के पास टोटल कैपिटल कितना है, दैट इज 4,06,10,00, मतलब टोटल 20,00,000 का कैपिटल है। हाँ कि ना, टोटल कितना कैपिटल है अमित के पास, 20,00,000 का कैपिटल। उससे वो पूरा कैपिटल किसमें डाल दिया, बिजनेस में डाल दिया, कंपनी में डाल दिया। बट अभी आगे अगर उसको कैपिटल चाहिए, अगर आगे उसको बिजनेस में एक्सपांड करना है, तो कैपिटल कहाँ से आएगा, ये क्या होगा, बड़ा सा क्वेश्चन होगा। यस और नो, फ्रॉम वेयर ही विल गेट कैपिटल, उसके पास वो कैपिटल नहीं है, और वो हर बार बैंक के पास भी नहीं जा सकता, हर बार रिलेटिव से भी नहीं मांग सकता, तो कैपिटल आएगा कहाँ से, तो वो कैपिटल कहाँ से आएगा वो हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो हमारे इंडिया में बहुत सारा पॉपुलेशन है, राइट। अगर हम देखेंगे तो टोटल 130 करोड़, उससे भी ज्यादा इंडिया का पॉपुलेशन। अभी वो पॉपुलेशन में से अगर किसी इन्वेस्टर, अगर 10,00,000 भी इन्वेस्टर्स अगर 1-1 रुपया भी कंपनी को देते तो बहुत सारा पैसा हो जाएगा। हाँ कि ना, अगर इतना पॉपुलेशन है, करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें से हर एक जन ने 1-1 रुपया भी कंपनी में डाला तो कंपनी के पास बहुत सारा कैपिटल आ जाएगा। यस और नो, बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि पब्लिक बोलेगा कि हम आपको कैपिटल क्यों दें, हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करें, ये क्वेश्चन रेज होगा, विच इज वेरी करेक्ट। तो हम, दैट इज मिस्टर अमित ने बोला कि आप मुझे कंपनी में पैसा दो और मैं आपको कंपनी का मालिक बनाऊंगा, बराबर की नहीं, आप मेरे कंपनी को पैसा दो और मैं आपको क्या बनाऊंगा, आपको मालिक बनाऊंगा, आपको मैं ओनरशिप राइट दूंगा। तो पब्लिक क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, डेफिनेटली पब्लिक को भी इंटरेस्ट आना शुरू होगा कि यस हम क्या बन रहे, कंपनी के मालिक बन रहे। बट मालिक बनने के लिए कंपनी को कुछ तो देना पड़ेगा, हाँ कि ना, कंपनी को कुछ तो देना पड़ेगा मालिक बनने के लिए। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगा, कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करेगा, कंपनी क्या करेगा, अपने शेयर्स इश्यू करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप बोर्ड पे देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ने क्या बोला कि यस भले हम राइट, आप हमें ओनर बना रहे हो, आप अपने हमें कंपनी का ओनरशिप राइट्स दे रहे हो, तो हम आपको क्या देंगे, पैसा देना शुरू कर। सो सब पब्लिक ने, जितने भी पब्लिक है, उन्होंने क्या करना शुरू किया, कंपनी को पैसा देना शुरू किया। तो कंपनी के पास क्या आया, पैसा आया, कंपनी के पास क्या आया, कैपिटल आया। तो कंपनी को क्या मिला, पैसा मिला। यस और नो, बहुत सारा पब्लिक ने उससे पैसा आना शुरू किया। बट अभी कंपनी का रोल होता है, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पैसे के बदले कुछ तो देना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करेगा, कंपनी अपने शेयर्स देगा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स, कंपनी अपने क्या करेगा, शेयर्स देगा। तो कंपनी ने क्या किया, शेयर देना शुरू किया। इस तरह से ये जितने भी पब्लिक है वो क्या बन गए, मालिक बन गए कंपनी के।
यस और नो, ये जितने भी पब्लिक है वो क्या बन गए, कंपनी के मालिक बन गए। किसी ने 10 रुपया इन्वेस्ट किया, मालिक बन गया। किसी ने 5 शेयर खरीदा, मालिक बन गया। किसी ने 20 शेयर खरीदा, मालिक बन गया। इस तरह से सब लोग कंपनी के क्या बन गए, छोटे छोटे मालिक बन गए। जिसने ज्यादा शेयर खरीदा उसको ज्यादा ओनरशिप राइट मिलेगा, जिसने कम शेयर खरीदा उसको कम ओनरशिप राइट मिलेगा। बट हर एक पर्सन को किसी न किसी तरीके से क्या मिला, प्रॉफिट मिला, ओनरशिप राइट मिला। तो इन शॉर्ट शेयर्स का मतलब क्या होगा, शेयर इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ शेयर ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। एक हिस्सा, एक कंपनी का टुकड़ा हम किसको दे रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं। और वो हम कैसे देंगे, विद द हेल्प ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। विद द हेल्प ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी ने शेयर दिया, पब्लिक ने पैसा दिया, कंपनी ने एक अपना हिस्सा किसको दिया, दैट इज टू पब्लिक। और जो पब्लिक है वो क्या बन गए, ओनर्स बन गए। इस तरह से पब्लिक भी खुश और कंपनी भी खुश। पब्लिक को क्या मिला, ओनरशिप राइट मिला, और कंपनी को क्या मिला, पैसा मिला। यस और नो? तो अगर हम देखेंगे, अभी पैसा आने के बाद कंपनी क्या करेगा, वो पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करेगा। तो कंपनी ने पब्लिक को बोला कि हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। जो भी आप हमें पैसा दोगे वो हम एक फैक्ट्री में लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है फैक्ट्री हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, उसमें हम आपका पैसा लगाना शुरू करेंगे। अगर कंपनी ने पैसा लगाना शुरू किया तो कंपनी को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और वो प्रॉफिट कंपनी किसको देगा, कंपनी पब्लिक को देगा। तो कंपनी को क्या मिला, प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट किसके पास जाएगा, पब्लिक के पास जाएगा। और अगर आप एसपी स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा कि जो भी प्रॉफिट होता है वो हम शेयर होल्डर्स को भेज देते हैं, दैट इज जो इन्वेस्टर्स है उनको देते। और वो प्रॉफिट का नाम क्या देते स्टूडेंट्स, दैट इज डिविडेंड। इसीलिए शेयर होल्डर को इन ब्रिटेन में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंग द शेयर होल्डर्स। तो अगर हम पूरे साइकिल को देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि पब्लिक ने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने उसके बदले प्रॉफिट दिया, और ये सब जो पैसा था कंपनी ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, और वो इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट मिला वो पब्लिक को मिलता रहा। इससे पब्लिक भी खुश, कंपनी भी खुश। और ये जो भी अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट जो भी मिलेगा, नेक्स्ट जो भी कंपनी में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, वो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे लिखा होता है, इट इज रिटन इन वन बुक एज पर द कंपनी अकाउंट विच इज कॉल्ड एज अ प्रोस्पेक्टस। तो अगर कंपनी को शेयर इश्यू करना है तो कंपनी को क्या देना होता है, प्रोस्पेक्टस विच इज अ इनविटेशन टू ऑफर। आप मेरे शेयर खरीदो और आप मेरे कंपनी के मालिक बन जाओ, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और जो पैसा या प्रॉफिट जो हम लेते हैं और जो पब्लिक को देते हैं वो सब कहाँ पे लिखा होता है, इन द प्रोस्पेक्टस। एक ऑफिशियल टर्म है विच इज कॉल्ड एज अ प्रोस्पेक्टस, जो आपने पढ़ा होगा। उसी के साथ अभी सबने पैसा दिया, सबको प्रॉफिट मिला, बट ये इसी के लिए हमें प्रूफ देना होगा। अगर आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बनते हो तो मुझे आपको कुछ तो प्रूफ देना होगा। तो वो प्रूफ के लिए हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं विच इज कॉल्ड एज शेयर सर्टिफिकेट। और वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या देते हैं, शेयर सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने 5 शेयर खरीदे तो मैं उसके एक शेयर सर्टिफिकेट रेडी करूंगी। मिस्टर बी ने 10 शेयर खरीदे, एक शेयर सर्टिफिकेट रेडी होगा। और ये शेयर सर्टिफिकेट हर एक जितने भी कॉमन पब्लिक है जिसने मेरी कंपनी में पैसा डाला है वो सभी को क्या मिलेगा, शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। इट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विच इज कंसिडर एज अ प्रूफ फॉर द शेयर होल्डर। तो इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि शेयर्स क्या होता है। तो आपको क्या करना है, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि पब्लिक ने पैसा दिया, कंपनी को पैसा मिला, वो पैसा के बदले कंपनी ने क्या किया, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। वो प्रॉफिट से कंपनी को, प्रॉफिट से वो कंपनी ने क्या किया, पब्लिक को डिविडेंड देना शुरू किया। बट ये सब में हमारा क्या रोल होगा, दैट इज एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स वी आर कंसिडर्ड एज अ अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी। यस और नो? हम क्या होते, अकाउंटेंट होते। तो आपको क्या काम करना है, आपको ये जो भी प्रोसीजर है, दैट इज पब्लिक ने पैसा दिया, कंपनी ने शेयर इश्यू किया, कितना पैसा दिया, कितना शेयर इश्यू किया, शेयर सर्टिफिकेट दिया, ओनरशिप राइट दिया, तो कितना पैसा आया, कंपनी ने कहां पे डाला,
और कितने शेयर दिए, ये सब का आपको क्या करना है, दैट इज रिकॉर्डिंग। आपको क्या करना है स्टूडेंट, रिकॉर्डिंग। तो ये चैप्टर में हम यही समझने वाले कितने शेयर कंपनी इश्यू किए और उसका हम रिकॉर्डिंग और जर्नलाइज एंट्री कैसे करेंगे। सो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था अबाउट द कंपनीज अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर, ये समझ में आया होगा। और इसका आपको डिटेलिंग चाहिए कि शेयर होता क्या है, कौन से टाइप्स ऑफ शेयर थे, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके एसपी का सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 आप वहां पे देख सकते हो, जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि व्हाट इज शेयर इज ऑल अबाउट एंड व्हाट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ शेयर, यू नो। सो आई होप आपको समझा होगा। एंड यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। सेकेंड थिंग, ये वीडियो आप 10 शेयर 10 स्टूडेंट्स को, आपके 10 फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे वो भी आपके साथ एजुकेट हो पाए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।